तो गाइस अभी हम आ चुके हैं वांकड़ी मंदिर और पूरा मंदिर आज मंगलवार है तो हम आ गए। हमारे साथ है भूपेंद्र भाई और काली भाई। आप इसे तो जानते हो। जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलो गाइस पहले प्रसाद ले लेते हैं हाथ बाहर के ऊपर, अंदर मंदिर में दर्शन करने चलेंगे। तो गाइस अभी हम वांकड़ी मंदिर पे आ गए और हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है और अंदर चलते हैं। भूपेंद्र भाई चले। तो गाइस ये देखिए हमारे शिवरी का वांकड़ी मंदिर। गाइस उधर बहुत ही आतंकी हमला हो रहा है गाइस। तो गाइस यार अभी हम बांकड़े हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और जहाँ शिव जी का मंदिर भी है वहाँ भी हमने दर्शन कर लिए हैं। तो फिलहाल कहाँ चले अपन? शिवरी पाड़ी है, खानपाड़ा। हेलो गाइस। जी भाई आपको ये मंदिर पे आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, तो थोड़ा सुकून मिलता है दर्शन करने आए हनुमान जी मंदिर पे। थोड़ा अपने को शांति मिलती है भगवान के दरबार में आने से, गहरा गहरा सुकून मिलता है। गाय देखो एक माँ होती है जो अपनी बच्चे को किस तरह खिला रही है। वैसे तो बंदा हनुमान जी का ही रूप होते हैं और कितना अच्छा लग रहा है गाय। तो गाय आपको तो पता ही होगा जब हम दुनिया भर के सारे दुख दर्द भूलकर मंदिर पर जाते हैं तो कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। और मैं तो इसी चक्कर में अब बांकड़ी मंदिर आने लगा क्योंकि गाइस कुछ ना कुछ होता है जो अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं रहता, इसी चक्कर में मैं बांकड़ी मंदिर आता हूँ। मतलब जहाँ आके है ना जीवन को सुकून मिलता है। और क्या गाइस यार ब्लॉग बनाते थे हम, बहुत से लोग मिल जाते हैं हमको ले रहे, हमको ले जाए वो भैया ठोके चले गए। एक लौंड आया तो जता रहा तो हमको भी ले लिया यार ब्लॉग, हमारा कैसे ले आया तुम? तो काली भाई जाने के बाद पूरे जीवन के दुख दर्दों का सुकून मिल जाता है। तो गाइस अभी चांदपाड़ा जाना तो गया, कैंसिल कर, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और अब हम जा रहे हैं सूत्री। तो रुक जा आप, हाँ गाइस चलो। तो गाइस जब हम जा रहे हैं सूत्री की साइड, क्यों भूपेंद्र भाई मजा आ रहा है मंदिर पे आके? मज़ा नहीं आया, सुकून मिला बहुत, सुकून तो मिलता है ना भाई। ये तो अब इसका तो दर्द तुमको पता है, एक ब्लॉग में मैंने पूरा दिखाई दिया ये कितना परेशान है। तो उन लोगों आज काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला है, तो हमारी झोपड़ी के जंगल कितने हरे भरे हैं, कितनी अच्छी वाली खेती होती है। आगे आप बोलिएगा जहाँ हम अपनी बाइक भी धो देते हैं कभी कभी। मोबाइल डांस।